मेरी ताकत। तुम ही मेरी ताकत हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊँ। तू ही मेरी ताकत हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊँ। बस ऐसे ही मेरे साथ रहना ताकि मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँ। अब डर नहीं लगता इस दुनिया से मुझको, अब डर नहीं लगता इस दुनिया से मुझको। तोड़ दिए है मैंने अपने मन के मोहजाल को, जिसके इंतजार में मैंने सदियाँ बिताई, जिसके इंतजार में मैंने सदियाँ बिताई। बुला रही है उसकी चाह मुझको, जैसे नदी मिलती है अपने सागर से, जैसे नदी मिलती है अपने सागर से। अपना सब कुछ निछावर कर उस पे, वैसे उसके खारे पानी में अपने आप के अस्तित्व को मिटा देती है। हो जाती है एक दुनिया की परवाह ना किए बगैर। अब की बार मिलन होगा उसका और मेरा, अब की बार मिलन होगा उसका और मेरा। चारों दिशाओं से होगा एक अनोखा नजारा। सारी कायनात लगी है जिसे मिलाने में। देखो खुदा ने भी खोल दिए है अपने दरवाजे, जन्नत के दरवाजे उन दो दीवानों को मिलाने में। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। मैं क्यों रो रही हूँ ये सोच के मैं खुद अनजान हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ ये सोच के मैं खुद अनजान हूँ। आँखों का कोई कसूर नहीं फिर भी मैं आंसू बहा रही हूँ, आँखों का कोई कसूर नहीं फिर भी मैं आंसू बहा रही हूँ। ए खुदा इस दर्द का कोई इलाज है क्या, ए खुदा इस दर्द का कोई इलाज है क्या। क्या कोई दवा नहीं बनी मेरी दुआओं में इसका राज है क्या, क्या कोई दुआ नहीं बनी इसका कोई राज है क्या। क्यों मैं पड़ जाती हूँ इस दुनिया के उलझनों में, क्यों पड़ जाती हूँ मैं दुनिया के इस उलझनों में। जितने देने की कोशिश करती हूँ उतना क्यों कम पड़ जाता है मुझे बांटने में, जितना देने की कोशिश करती हूँ उतना क्यों कम पड़ जाता है बांटने में। ए खुदा कुछ ऐसा चमत्कार कर दे तू, ए खुदा ऐसा कुछ चमत्कार कर दे तू कि मैं खुशियाँ बांटती रहूँ इस दर्द वाली दुनिया में। ना कभी मेरी झोली खाली हो किसी की मदद करने में। आई बिलोंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? द क्राउड इज नॉट महाराष्ट्रियन, बट आई विल टेल यू द लिटिल बिट समराइज इन हिंदी लेटर ऑन। बट जस्ट लुक कि प्लस 40 हर एक औरत जब अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनका शादी, किसी का करियर डेवलप करने के बाद जो फ्रीडम महसूस करती है, जस्ट ऑब्जर्व योर मॉम, योर डैड, है ना, कि जब आपको कोई बढ़िया से जॉब मिलता है तो उनके फेस पे कितना अपने पूरे ज़िंदगी का मेहनत आना दिखता है। तो वैसे ही मैंने मेरे कुछ थॉट्स, माई किड्स इज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, राइट? सो जस्ट कि मन में जब एक उछाल मारने की जो इच्छा होती है ना, वो मैंने मराठी में लिखी है ती वाट। ती वाट मतलब दैट पाथ, राइट? जस्ट लिसन, आई नो कि यू आर नॉट महाराष्ट्रियन, बट द वर्ड्स इज वेरी गुड एंड यू विल फाइंड, आई विल टेल यू इन द लेटर ऑन। ती वाट न कळत माझ्या अस्तित्वाला आकार देत गेली, ती वाट न कळत माझ्या अस्तित्वाला आकार देत गेली। ती वाट माझ्या मनातल्या आशा आकांक्षा उंच आकाशात स्वच्छंद उडण्यास सहभागी झाली। ती वाट न कळत आयुष्यात बेरीज तर कधी वजा बाकी करत गेली, तर कधी भागाकाराच्या माध्यमाने गुणाकाराचा धडा शिकवत माणसे जोडत गेली। ती वाट जिद्दी मनाला हवा देऊन गेली, आपल्या दोन्ही हातांनी गुंजरत माझ्या मनाला भारावून गेली। ती वाट माझ्या मनाला वेगवेगळे छंद लावून गेली, ती वाट आजही माझ्या अस्तित्वाला नकळत आकार देत गेली। इसका मतलब ये है कि वो जो राह है वो राह मेरे अस्तित्व को निहारती चली गई, वो राह जिसने मेरे को आकाश में स्वच्छंद मन से किसी की भी परवाह न करते हुए उड़ना सिखा गई, वो राह जो सब लोग मैथ करते, राइट,
उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब होता है। मराठी में ये है कि जिंदगी में एडिशन करती गए कुछ अच्छे लोगों का, सब्सट्रैक्शन करती गई बुरे लोगों का। जो हम लोग डिवीजन बोलते हैं, राइट, तो उससे मल्टीप्लाई करके नए नए लोगों को मेरे साथ जोड़ती गई। जो जिंदगी मैंने स्वच्छंद रूप से अपने बचपन से जीने की आदत डाली थी, फिर से उसी राह से खुद को अपने दोनों हाथ से मैं अपने मन को प्यार करने लगी। और वही राह है जो मुझे आज, आप मुझे देख सकते हो कि आई एम बीन इन एजुकेशन फील्ड, आई एम स्टिल यंग, स्वीट 16 एंड स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू शो यू कि हाउ द इनोवेशन चेंज विद द वेरिएशन इन वुमन्स लाइफ, राइट। कभी औरतों को या फिर किसी लड़की को दबाना नहीं, जस्ट उसको खुला छोड़ दो और फिर देखो कि वो चांद पे जाने के लिए पीछे मुड़ के देखेगी नहीं। थैंक यू।